नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। साथ मैं हूं आपके नीतू गुप्ता। डरिए आप, लखनऊ में है, लगातार हम ये कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मामला जो सीतापुर का जो सामने आया था, लखनऊ में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। मैं बात कर रही हूं कमलेश तिवारी हत्याकांड को लेकर। जी हां, अब इस मामले में जिस तरह से एक के बाद एक आरोपी गिरफ्त में आ रहे हैं, परत दर परत खुलती जा रही है। पूरा मामला भी आपको समझाएंगे कि क्या है, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दे, कमलेश तिवारी हत्याकांड में सलाखों के घेरे में अब जो लखनऊ पुलिस आ चुकी है, माफ कीजिएगा, सवालों के घेरे में है। कल डीजीपी ने कमलेश को सुरक्षा देने की बात कही थी और कमलेश की मां ने सुरक्षा देने की बात का खंडन किया है। यानी सीधा मतलब ये कि सुरक्षा देने की बात कल कही गई थी पुलिस की तरफ से, लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई, एक भी पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात नहीं था। परिवार का कहना है, परिवार का आरोप ये है कि पुलिस की कार्यशैली पर अब परिवार जो है सवाल उठा रहा है। तो सवालों के घेरे में अब लखनऊ पुलिस इस पूरे मामले पर आ गई है। कौन सच्चा कौन झूठा, ये सवाल बना। कमलेश की मां ने सुरक्षा नहीं देने का आरोप लगाया है पुलिस पर। कल डीजीपी ने कमलेश को सुरक्षा देने की बात कही थी, लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई है। कमलेश की मां का ये कहना है कि एक भी पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की, तो बड़ी खबर इस वक्त की कमलेश तिवारी हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर। और क्या कुछ कहा गया था पुलिस की तरफ से, वो बयान सुनवाते हैं, जिसके बाद अब लखनऊ पुलिस सवालों के घेरे में आ चुकी है। हम लोगों ने सुरक्षा उसको दिया है, हम लोगों ने उसे सुरक्षा दिया है, और सुरक्षित होने के बावजूद परिचित लोग वहां आए और परिचितों ने खुद हत्या की है, इस बात के हमारे पास सबूत है। एक लाइन से और थाने से दोनों जगह से सिक्योरिटी मौजूद थी, समय एक यहाँ पे मौजूद थी सिक्योरिटी, थाने से जो था मौजूद वो यहाँ पे मौजूद था। तो जो भी सिक्योरिटी है अभी फिर यहाँ पे एनहेंस कर दी गई है, पूरे परिवार के लिए जो है सिक्योरिटी एनहेंस करके लगा दी गई परिवार में। इनके साथ जो रात रात आए नहीं थे सुरक्षा, कहाँ गनरदार है, 11:30 बजे मार के चले गए। नाका पुलिस की जिम्मेदारी रहा है, नाका पुलिस सुरक्षा दे रहा है, काहे नहीं भेजे, एक पुलिस वाला नहीं आवा है, उनका मरवा कर पुलिस वाले अत्याचार की लखनऊ माँ किसान नहीं भगवान से। लोगों ने सुरक्षा उसको दिया है, हम लोगों ने उसे सुरक्षा दिया है, और सुरक्षित होने के बावजूद परिचित लोग वहाँ आए और परिचितों ने खुद हत्या की है, इस बात के हमारे पास सबूत है। इनके साथ जो रात रात काहे नहीं दें सुरक्षा, कहाँ गनरदार है, 11:30 बजे मार के चले गए। नाका पुलिस की जिम्मेदारी रहा है, नाका पुलिस सुरक्षा दे रहा है, काहे नहीं भेजे, एक पुलिस वाला नहीं आवा है, उनका मरवा कर पुलिस वाले अत्याचार की लखनऊ माँ किसान नहीं भगवान से। सिपाही थे डंडा लेकर और सो गए थे। कौन सोया था? सिपाही जो थे उसके वजह से सोए थे। कौन सोया था? सिपाही जो एक बूढ़े सिपाही वहाँ पे हम सोए हुए थे और वो लोग बिना जांच के ऊपर चले गए। तो यहाँ पर आपने डीजीपी ओपी सिंह को भी सुना और मृतक कमलेश तिवारी की माँ को भी सुना और नौकर को भी सुना, जहाँ पर डीजीपी ओपी सिंह का कहना है कि सुरक्षा के लिए हम वहाँ पर पुलिसकर्मी हमने सुरक्षा में लगाया है, लेकिन माँ इसे इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि एक भी वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात नहीं था सुरक्षा को लेकर, और इसी वजह से परिवार लगातार कह रहा है कि पुलिस ने ही मरवा दिया है मेरे बेटे को। तो डीजीपी ओपी सिंह का भी बयान आपने सुना था, और अब ऐसे में सवाल कि जब अगर डीजीपी की तरफ से कहा गया कि सुरक्षाकर्मी वहां पर लगाए गए, पुलिसकर्मी तैनात है, और परिवार जब मना कर रहा है, तो आखिर पूरा मामला क्या है? क्या सुरक्षा में वहां पर पुलिसकर्मी नहीं थे? दूसरी तरफ नौकर को भी आपने सुना, एक सिपाही जो कि सोया हुआ था, ये लापरवाही पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में, समझिए इसी तरह से लापरवाही। ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जब पुलिस की लापरवाही सामने आई है, इससे कई बार कई मामलों में पुलिस की लापरवाही अक्सर सामने आती रही है।
कहीं ऐसा तो नहीं माहौल खराब करने के लिए भी किया गया हो, तो हर एंगल पे जांच करने की आवश्यकता है। और हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो खुद हिंदू महासभा के एक परंपराओं से जुड़े रहे हैं, उनके गुरुदेव दिग्विजयनाथ जी, गुरुजी के गुरुजी दिग्विजयनाथ जी खुद अध्यक्ष राष्ट्रीय रहे हैं, उनके पिताजी राष्ट्रीय महामंत्री रहे और सांसद भी रहे हैं हिंदू महासभा से, खुद योगी जी हमारे साथ भी रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं हिंदू महासभा में, तो उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कमलेश तिवारी के परिवार को कम तत्काल 5 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देना चाहिए। उनके घर में पत्नी और या कोई भी दो लोगों की नौकरी तत्काल रूप से घोषणा करना चाहिए ताकि कम से कम हो तो, और खुद मुख्यमंत्री जी को इसमें जितना जल्दी हो सके अपराधियों को पकड़ने के लिए आदेशित करना चाहिए। हर किसी का रिएक्शन अब इस पूरे हत्याकांड को लेकर सामने आ रहा है। महाराज चक्रपाणी भी कह रहे हैं कि हर एंगल से इस मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी है उसे कड़ी सजा होनी चाहिए और अगर जरूरत होती है तो सीबीआई जांच की भी बात उन्होंने कही। उधर जो सवाल बने हुए हैं कि जिस तरह से सुरक्षा के लिए यहाँ पर पुलिस को तैनात की बात कही गई थी डीजीपी की तरफ से, माँ मना कर रही है, माँ कह रही है कि कोई सुरक्षा नहीं दी गई। सीधी मांग है, मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, हम लोगों को कुछ चाहिए नहीं, कमलेश तिवारी को राष्ट्रीय सम्मान मिले, एनआईए से इसकी जांच हो, क्योंकि हम लोगों को इस सरकार और इस प्रशासन पर भरोसा नहीं है। यही तीनों मांग डीएम साहब से मैंने की, वार्ता हुई, डीएम साहब बोले आधे घंटे एक घंटे का मुझे समय दीजिए और यही करके डीएम साहब यहाँ से निकले। ऐसा है, बहुत दुर्भाग्य की बात है, हम लोगों ने कमलेश तिवारी को खोया है। कमलेश तिवारी को नहीं खोया है, हिंदू शेर को खोया है। आज कार्यकारिणी के हमारे तमाम सदस्यों से वार्ता करने के बाद और यहाँ मौजूद हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों पदाधिकारी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों पदाधिकारियों से निर्णय लिया कि किरण तिवारी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जा रहा है। जब तक कार्यकारिणी की बैठक नहीं होती है तब तक किरण तिवारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रहेंगे। यहाँ पर आपने तमाम लोगों को फिर सुना, उन्होंने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो जाती तब तक अंतिम संस्कार जो है वो नहीं किया जाएगा। और इस बीच ये भी खबर कि जो पत्नी है कमलेश तिवारी की और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि वो हिंदू समाज संगठन से जुड़े हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करने की बात कही गई है, घर पे डीएम भी पहुंचे थे। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।